इन गंदी बाइक को लेके मैं निकल रहा हूँ दो दिन से, ये समझ में नहीं आ रहा हूँ। 10 गालियाँ मिलेंगी मुझे कमेंट सेक्शन में। तो हम 80 तक जाएंगे, इसके डबल, इसके ज्यादा नहीं जाएंगे। तो आजकल इस रोड से जो मेरा रिश्ता है वो बहुत अच्छा हो गया है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आना जाना लगा रह रहा है। अभी पता नहीं क्यों कम ट्रैफिक है, 5 बज रहा है और इतना खाली है चौराहा। यहीं से जिसको PMCA जाना है वो नीचे उतर के जा सकता है, बड़ा ही एक्सेसिबल रोड है ये। गांधी मैदान यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से नीचे उतर के आप जाओगे तो 1 किलोमीटर, और बीघा यहाँ से 8 किलोमीटर है, स्ट्रेट जाना है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे पे है। और लेफ्ट हैंड साइड में हड़ताली, नीचे क्या व्यू आ रहा है आप लोग देख लीजिए। ओवरऑल अगर आज बात करी जाए तो मैंने पूरे पटना का राउंड लगा दिया ऐसे गोल गोल, चिड़ियाघर से लेकर शिवपुरी से लेकर निकला आपको ऐसे ऐसे राजेंद्र नगर कंकड़बाग होते हुए सीधा गायघाट, पटना सिटी, सिटी से फिर गायघाट और ऐसे मरीन ड्राइव होते होते फिर आप लोग सिटी में लाया, और फिर भी मेन सिटी में जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का अपना जो मोटो ब्लॉग है वो सीधा बाइक से ही स्टार्ट हो रहा है, और बाइक से होना भी चाहिए। अभी मैं देख लीजिए, मैं गया हुआ था ज़रा सा गांधी मैदान कुछ काम से, तो मैं लौटा तो मैंने सोचा कि यार आज दिन भर हमने कोई ब्लॉग व्लॉग शूट नहीं करा, आज वैसे प्लान नहीं था, आज का पूरा दिन बिना किसी काम के निकल गया है। बट मैंने सोचा चलो अब जब बाइक पे आ ही गए हैं तो ऐसे चुपचाप अकेले जाने में ना मज़ा नहीं आता है, तो आप लोग को अगर ले लेता हूँ साथ में तो बात करते करते पहुँच जाऊँगा मैं, तो प्लान ही यही है। और आज का एक और मेन काम था जो हमारा छूट रहा है, वो था कि अपने बाइक की जो है सेकेंड सर्विस करानी थी, लेकिन आज वो भी नहीं हो पाया, होपफुली कल हो पाए, क्योंकि कल वैसा कुछ अर्जेंट वाला काम नहीं दिख रहा है मुझे। तो कल की प्लानिंग है मेरी कि मैं कल इसकी सर्विस कराऊं, सेकेंड सर्विस का टाइम हो गया है। बाकी अब यहाँ से फटाफट निकला जाए गुड्ढा कॉलोनी से, और गाड़ी गंदी इतनी हुई है ना कि मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो 10 गालियाँ मिलेंगी मुझे कमेंट सेक्शन में। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी सुंदर दिखने वाली बाइक को इतना गंदा बना के रखा हूँ कि मैं खुद देख रहा हूँ तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि क्या ये मेरी बाइक है। गंदा जैसे किसी राइड पर निकले हैं हो गया तो समझ में आता है, लेकिन गंदी बाइक को लेके मैं निकल रहा हूँ दो दिन से ये समझ में नहीं आ रहा। वो इसलिए कि बारिश बहुत तगड़ा हुआ पटना में एक दो दिन, और अभी भी पानी लगा हुआ है, तो धुलाने का कोई मेरे को मोटिव नहीं समझ में आ रहा है। और एक दो दिन कीचड़ लेके घूमूंगा भी तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पॉलिश इस पर लगाया हुआ है तो रस्टिंग का इशू नहीं आएगा, आया भी तो एग्जॉस्ट में आएगा तो वो तो पहले से ही आ रहा है। बाकी ये पंचमुखी मंदिर, इधर भी ऊपर कैमरा लगा हुआ था पीछे बहुत ज़्यादा, तो बिना हेलमेट के अगर कोई सोच रहा है कि जाए तो बिल्कुल भी ना सोचे। तो यहाँ इतना वाहियात ट्रैफिक सिस्टम है ना कि मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। बट निकलना तो पड़ेगा यार, कब तक उसमें फंसे रहेंगे। और आज अपने पास हेलमेट है तो हम सीधा चौराहा से ही निकलेंगे, हेलमेट नहीं होता तो अंदर नागेश्वर कॉलोनी घुसना पड़ता, फिर वहाँ से 13-22 बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता। झमेला क्या है, हम वही जाते ही आते हैं अगर बिना हेलमेट के आते हैं तो। वैसे मैं किसी को इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ, ऑलवेज वेयर योर हेलमेट एंड आपके पास जो भी सेफ्टी गियर्स हों, क्योंकि पास सबके पास तो सब कुछ नहीं होता, इनफैक्ट मेरे पास भी सब कुछ नहीं है अभी तक सोचो तो। और इतने नज़दीक के लिए ना कोई वो सब कैरी भी नहीं कर सकता यार, मतलब अगर आपको सोचो चौराहा आना है, आपको गांधी मैदान जाना है, तो यहाँ के लिए कौन सारे गियर्स पहनेगा। मिनिमम 100 किलोमीटर्स की राइड हो तो समझ में आती है, बट ये अभी इस बाइक पे चल जा रहा है। लेकिन अगर हम सुपर बाइक लेंगे तो हमें वो चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा, अगर उसमें 10 किलोमीटर भी जाएंगे ना तो पहनना पड़ेगा, वो नेसेसरी रहेगा उसमें, क्योंकि फिर उसकी पावर्स जो है वो अनकंट्रोलेबल है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है उन बाइक्स की पावर, तो अपना जो है सेफ्टी लेके चलना पड़ता है। बाकी वी आर रीचिंग चौराहा, चौराहा का दृश्य ये है सामने, मतलब बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अभी पता नहीं क्यों कम ट्रैफिक है, 5 बज रहा है और इतना खाली है चौराहा, पुलिस वाले खड़े हैं चालान काटने के लिए। हाँ ये तो बिना हेलमेट के हैं तो एकदम ना गुजरे यहाँ से।
इधर देख लीजिए जीबी मॉल और इधर डोमिनोज और वी मार्ट, बट आई हैव टू कैरी ऑन क्योंकि मुझे जाना है शिवपुरी। ओहो यहाँ से भी जा सकते हैं क्या? वैसे सुबह सुबह सॉरी दिन में मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, दो कदम के लिए रिस्क लूँ पता चले चलान कट जाए तो रिस्क जो है महंगा पड़ जाएगा। बढ़ ही लो भाई, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपए का एक्स्ट्रा पेट्रोल जाएगा, फिर भी 1000 रुपए की सेविंग्स तो हैं चलान से। गर्ल्स बहुत अच्छा रिएक्शन देती हैं इस बाइक को, और अभी गंदे में इतना अच्छा मिल रहा है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी इस बाइक को वॉश कराऊँगा KTM में जाके और उन्हीं लोगों से मैं पॉलिश भी लगवाऊँगा, उसके बाद कितने तगड़े रिएक्शन मिलेंगे। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये जो पानी लगा हुआ है रोडों पर बारिश का ये सब सूख जाए एक बार, और मैं धुला के कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। सो बस ट्रैफिक देख लीजिए आप लोग, एकदम बेढंगा ट्रैफिक लग जाता है, और ओए होए, और अभी से ही मुझे लग रहा है रात, क्योंकि मेरा वाइजर है बंद, मैं खोल नहीं सकता हूँ, खोलूँगा तो विंड नॉइज आने लगेगा, इतना ज़्यादा विंड नॉइज आएगा कि वो खुद ही बुरा लगने लगता है। तो चलो चले चलो चले चलो चले, यहाँ थोड़ा सा टूटा हुआ रोड है और लकीली यहाँ पे ट्रैफिक खुला रहता है, वरना हमेशा यहाँ पे इतना हेवी ट्रैफिक रहता है ना जिसका हिसाब नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है कि लक अपने साथ है, ट्रैफिक खुला है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, यहाँ विद इन अ सेकेंड ट्रैफिक लग जाता है, देख लो भाई। वैसे इस बाइक की राइड क्वालिटी ना, आप अगर सोलो राइड कर रहे हो तो इतनी अच्छी प्यारी है हर एंगल से कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है ना कि जैसे अगर कोई पिलियन बैठ गया, पिलियन में भी जैसे अपने यंग एज के हैं ठीक है, जिनमें कोई दिक्कत नहीं कैसे भी चलाओ तो ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी को बचा के लेके जाना है नॉर्मल तो ये गाड़ी सिरदर्द बन जाती है भाई साहब, मेरी तो सिरदर्द बन चुकी है आज, मुझे कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि इस पर ऐसे पिलियन को बिठाना पड़ रहा है जो डर रहे हैं जो गिर ना जाए या फिर जो थोड़े से हेजिटेट होते हैं, तो मेरे को नहीं सिरदर्द बन जा रही है, और अभी जैसे अकेले हूँ मस्त एकदम पानी के जैसे जूम जूम निकल रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, और आ गए शिवपुरी। चलिए तो फिर अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अब शिवपुरी के बाद शाम में देखता हूँ कहीं अगर अपना प्लान हुआ तो ठीक है, वैसे तो होगा ही जनरली, और ट्रैफिक में राइड करने का भी मज़ा एक अलग आता है। ओए होए ऐसे ट्रैफिक ना, मतलब जान भी लेता है और मज़ा भी आता है, रिएक्शंस बड़े तगड़े मिलते हैं इस बाइक को भाई साहब, बड़े ही तगड़े, मतलब लड़की छोड़ो लड़के भी अच्छे रिएक्शन देते हैं इस बाइक को। अभी देख लीजिए एक कपल जा रहे थे बगल में हॉर्नेट से और देख रहे थे अपने को, रिएक्शंस के मामले में ना ये गाड़ी एकदम मैग्नेट है, मैग्नेट खींचती है ऐसे चुंबक की तरह। देखो GT वाला भी रिएक्शन तगड़ा दे रहा है, सोचो कॉन्टिनेंटल GT वाले जब घूम घूम के तगड़े रिएक्शंस दे रहे हैं तो मतलब क्या चाहिए यार आपको 2-3 लाख में, पिकअप पावर सब कुछ एकदम अल्टीमेट है। बस अब आप लोगों की दुआ हो अब सुपर बाइक आए। चलो वैसे बात पका लिया, मिल तो लीजिए अभी बाइक हो गई अपनी चेंज, और थोड़ी देर पहले मैं RC से आ रहा था रानी मैदान से, और मैं आ गया हूँ बुलेट पे, हमने सोचा कि इवनिंग में अब इसकी राइड ली जाए,
उसकी राइड तो जो है वो हो चुकी है। और ये देखिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मतलब कि ट्रैफिक लगना शुरू। ऐसी ट्रैफिक में मन था मेरा। सोचिए नीचे क्या हाल होगा जब ऊपर ब्रिज के ऊपर ऐसा हाल है। बहुत ही तगड़ा हालत खराब है भाई साहब ट्रैफिक का। पिछले आधे घंटे से मैं इस ट्रैफिक में फंसा हूँ और अभी तक कोई निकलने का उम्मीद नहीं दिख रहा है। बस गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा तो डस्टर के पीछे ही लगा हुआ हूँ मैं तब। मतलब इसके पीछे था तीन चार गाड़ी पीछे, थोड़ा बहुत इधर उधर करके स्नैक बाइट खेल के आया हूँ आगे। और भी फायदा भी नहीं इसमें ज्यादा खेल के, क्योंकि ये बहुत लंबा जाम वहाँ पर सर्कल है ना मेन, वहाँ बारी बारी से छोड़ा जा रहा है। अब लग रहा है कि खुला, जब तो खुल रहा है ना तो एकदम सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है कि हाँ भाई खुल गया चलो, और फिर लग जा रहा है। बड़ा ही प्रॉब्लम है यार, वे राइट की आग लग जाएगी। फाइनली 40 मिनट ट्रैफिक में फंसने के बाद से अभी टाइम मिल गया, मतलब खाली मिल गया है। बस शाम में इधर आना एकदम ही बेकार है डिसीजन। अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई राइड वाइड पे निकल एंजॉय करो तो उससे भूल जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला है शाम को आओगे तो। एकदम हताशा हाथ लगेगी आपकी, हताशा और निराशा और कुछ नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में बुद्ध स्मृति पार्क और इधर स्टेशन दर्शन और बजरंगबली का जो मंदिर है ना, बहुत बहुत सब लोग खाली मिला है, अब इंजॉय करेंगे। और रोड में अंडुलेशन बहुत ज्यादा है जिसके वजह से पता लग जा रही है, हालांकि बाइक के प्रोग्रेस भी ठीक ही है बट पता नहीं क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। अब इधर थोड़ा सा नीचे ट्रैफिक मिलेगा कंकड़ बाग में, आप जाओ और ट्रैफिक आपको स्टार्टिंग में ही ना मिले तो हो ही नहीं सकता है। चलिए ट्रैफिक मिलना शुरू, धीरे धीरे तो फाइनली हम आ गए कंकड़ बाग। और वाला परेशान करेगा इससे पहले इसके आगे निकलना होगा। ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, आज ट्रैफिक बहुत कम लग रहा है यहाँ पे। हालांकि टर्मिनल के पास जाते हैं तो ट्रैफिक इधर भी मिल जाएगा। तो हर जगह का अपने को आइडिया है कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि तो इतने साल गुजर गए ना यहाँ पे पटना की सड़कों पे, तो बस अब यूँ समझ लो कि नींद में भी पता चल जाए। और जो नई नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है जो हमें नहीं पता है, जो भी एक्सप्लोर हमने नहीं किया था। हालांकि सब तो कर ही लिया है, हेलमेट दे के हम घूमते हैं एक बार रास्ता देखने के लिए। इतना अच्छा लग रहा है ना ये वाला रोड खाली नहीं रहा है तो। माधोपुर में ही अब ट्रैफिक मिलना फिर से शुरू हो ही जाएगा क्योंकि अब टर्मिनल आने वाला है, और लो हो ही गया जिसका डर था। अब यहाँ पर भी लग रहा है कि फिर शादी वादी का वो है, सब ये ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हैं तो फिर कहीं खुले में मिलता हूँ मैं आप लोगों से। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है इसीलिए भाई साहब ट्रैफिक लग रहा है। मैं यही बोलूंगा पर्सनली जिनको भी गायघाट साइड जाना है इधर आना है
वो मरीन ड्राइव होके आए, पेज टू पकड़ के इधर से आने का बिल्कुल कोशिश ना करें, बहुत ही ज़्यादा और हेवी ट्रैफिक कि यहाँ पहुँचने में मुझे लग गया अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट। तो ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ना, बस इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि पटना में किधर कब जाना सेफ है कब नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग खुद ही जज करो ये क्या ट्रैफिक का हाल है। आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर आगे आप लोग देखें तो राजेंद्र नगर टर्मिनल है, और अगर किसी को ट्रेन पकड़ाने आप आ रहे हो तो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा में लेके आओ, वरना उसकी ट्रेन जाएगी और फिर आप भी खुद को कोसते रह जाओगे। बहुत हालत खराब हो गया भाई साहब। तो देख लीजिए, अरे क्विड वाला ऐसे चल रहा है ना चौड़े में, मतलब इसको थोड़ा और उधर राइट दबा के चलने में पता नहीं क्या दिक्कत है। तो इसके आगे जो गाड़ी है वो अच्छे से चल रही है, लेकिन इसको बड़ा तेज चाहिए। चलिए, लगता है सांस मिला। ये रहा राजेंद्र नगर टर्मिनल का फ्रंट से जो व्यू है, और ट्रैफिक का व्यू भी हमने चेक कराएंगे आपको। बस अब ऊपर चलते हैं। बाप रे बाप, जान बची। और अब ये क्या सिस्टम है इसका भाई, ये क्या बक्स हो दिया, हद बक्स हो दिया सिंगल लेन में। लो यार यहाँ भी ट्रैफिक है, मजा आ गया आज तो, मजा ही मजा आ गया, मजा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कहाँ है तो ऊपर ये रूल जरूर से फॉलो करें, यहाँ पे पुलिस खड़ी है, ये जिधर का सिग्नल देगी उधर ही बढ़ना है, तो ये नहीं कि आंख बंद करके इधर से सीधे आए और सीधे चले गए, यहाँ के स्टॉप जरूर दे बाइक को, वरना लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए चालान कट जाएगा। अब वो हमें सिग्नल देंगे तो हम भी पढ़ेंगे, पता नहीं कब तक सिग्नल देगा। सिग्नल दे दो भाई, R15 वाले ने अपनी इज्जत खुद से मरवा ली बेचारे की, चेन स्प्रोकेट खराब है लेकिन फिर भी उसने पिकअप लिया हमारे साथ। क्या ट्रैफिक, ये रूट अगर किसी को याद हो, वैसे पुरानी यादें ताजा हो रही है हमारी, पहले घर जब हम जाते थे जब सीघा पुल नहीं था तो यहीं से जाया करते थे, यहाँ से हरम कुआ, हरम कुआ से हाजीपुर, हाजीपुर से आगे फिर मजा आ गया आज। बहुत तेरी लड़के ने दे रखी थी R15, और बिना हेलमेट के तो गाड़ी चला दे रखा हो, स्पीचलेस। चलिए ट्रैफिक वाला सीन आ गया। तो फाइनली आप लोग देख लीजिए नून का चौराहा, वो सामने अगर बोर्ड लगा है आपको दिख रहा हो तो, ऐसे तो नहीं दिख रहा होगा, तो अब मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊंगा क्योंकि मेरा जो काम है मैंने निपटा लिया आके, जिससे बात करनी थी कर ली, और बस भाई निकलने का टाइम आ गया। तो मैं आया था राजेंद्र नगर से, कंकड़ बाग राजेंद्र नगर होते हुए, वो इसलिए कि मेरे को उधर थोड़ा बहुत था कुछ काम, बट अब नहीं है। तो अब इधर से हम मरीन ड्राइव फेज टू पकड़ के जाएंगे, मरीन ड्राइव फिर दीघा, फिर वहां से अटल पथ और शिवपुरी। अभी का सीन तो यही है, रास्ते में प्लान चेंज होता है अगर तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, नहीं होता है तो फिर
मैंने जो प्लान है वो आप लोग बता ही दिया है। ओहो, कट मारने पे कोई पाबंदी नहीं है वैसे, इधर इधर कोई सिटी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता है पटना सिटी में, देख लीजिए कोई हेलमेट है कोई नहीं है, कोई कैसे भी चल रहा है, तो हम भी नहीं ही करेंगे, सॉरी मतलब हम करेंगे यहाँ पे आए हैं तो, बाकी लोग करें ना करें, तो मैं पूरा रूल में ही चल रहा हूँ। लोग यहाँ पे बहुत ही वो है, इसीलिए मैंने लो लाइट करके रखा है कि सबको सामने से दिखाने के लिए पासिंग दूंगा मैं। हम तो कहीं भी जाए भाई, किसी भी स्टेट में भेज दो, कहीं भी भेज दो, अपने को कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइड करना है, जिसको लगता है कि हाँ भाई निकल सकता है आ जाए। आप लोगों ने देखा ये सीन अभी मंजर जो, वो भी इतनी हेवी बुल्ट लेके, तो सोचो यार मतलब सुपर बाइक होगी तो क्या ही होगा अपने पास। ओ सॉरी, गलती से डाउन शिफ्ट हो गया, वहां पे करना था अपने को अप शिफ्ट, बट नो प्रॉब्लम, जो हुआ अच्छा ही हुआ। ये बगल में देखिए मालगाड़ी जा रही है, मस्त एकदम माल लिए हुए। देखा यहाँ पे काम आया ना अपना पासिंग लाइट, अगर नहीं होता तो बताइए वो आदमी आ जाता आगे, लेकिन बहुत अच्छी चीज है ये पासिंग लाइट, ये देख ले बिना हेलमेट के दोनों लड़के लड़के, हेलमेट है लड़के के पास बस उसने पहने ही नहीं है। वो हाँ भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, एकदम पावर वाली राइड अभी तगड़ी फील आ रही है, एकदम पावर मिल रहा है मुझे, ऐसी ऐसी राइड हो मतलब ट्रैफिक के बाद और जो खुला मिलता है ना तो एकदम ही बहुत मजा आता है, और आप बुलेट की कैपेबिलिटीज पता है, उसके बाद भी ऐसी राइड होना मेरे तो बिगेस्ट ड्रीम। और अब यहाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है हमें, बट नो प्रॉब्लम, इजली फिल्टर कर लेंगे इजली। कचड़े वाला वार्ड नंबर, चलो अब इधर कुछ ज्यादा नहीं पकाऊंगा, बढ़ते हैं मरीन ड्राइव की तरफ, क्योंकि अब बहुत इधर का हो गया है ना, अब थोड़ी सी बाइक को और खींचूंगा, हालांकि थोड़ा बहुत झलक मैंने आपको दिखलाई दिया, मैं कैसे खींचने वाला हूँ। ओ भाई साहब, ओए मतलब बहुत लोगों का ऐसा मन में होता है ना कि मन में क्या, और ये सही भी चीज है कि बुलेट बहुत ही हेवी बाइक है वेट वाइज, इसको इजली मनोवर लोग नहीं कर पाता वो सिटी में तो और नहीं, बट मुझे एकदम उसका उल्टा लगता है कि इसे ही सिटी में चलाने में मजा है, बिकॉज रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स होती है वो टॉर्किस होती है, बहुत ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो आपको इमिडिएट आपको इस पर काम आता है घर वाला, बहुत परेशान था आगे आने के लिए उसे खा नहीं पाया, तो भाई टॉर्क में मतलब चढ़ाऊ था एकदम, हम चढ़ रहे थे खड़ी चढ़ाई थी इसलिए एफजी नहीं निकल पाए, अब निकलने तो बेचारा ने कोशिश बहुत करी थी कि निकले, बट यू नो व्हेन आई एम राइडिंग मैं कुछ देखता नहीं हूँ मैं कौन सी बाइक पे हूँ मेरे बगल में कौन है,
कुछ भी नहीं, बस चलाना है तो चलाना है। निकलो 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 गायघाट, यहाँ से और 1.5 किलोमीटर है, गायघाट चलेंगे और मरीन ड्राइव पकड़ेंगे फेज 2 एंड देन निकल जाएंगे। ओ भाई साहब बहुत मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा। वो तो एफजीओ के वाले के दिल पे क्या बीता होगा। वो यू हैव टू टेक लेफ्ट फॉर द गाय घाट। ये पता नहीं क्या है, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग तो नहीं, अभी अभी जस्ट कलर हुआ है न्यूली, होप सो ऐसा ही कुछ हो। तो अब ये कचरपट्टी वाला इलाका, थोड़ा सा इलाका नहीं मतलब नाला है यहाँ पे, ऐसा कचरपट्टी मैं नहीं बोलूंगा। सॉरी, यहाँ थोड़ी दूर रॉन्ग में ही जाना होगा, आगे चल के अपना साइड लेंगे। तो ये देख लीजिए, बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के बाद हम फेज 2 पे चढ़ने जा रहे हैं मरीन ड्राइव पे। और यहाँ पे आसपास बहुत सारे घाट है, कंगन घाट, पदर घाट, तो वो सारी घाटें हमने एक दिन आके अर्ली मॉर्निंग सब कुछ एक्सप्लोर करके बढ़िया से दिखाया है, वीडियो डाल रखा है, उसका ब्लॉग है हमारे चैनल पे ही, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। और एक ट्रैफिक से निकल कर अच्छे रोड पे आने की खुशी वो राइडर समझ सकते हैं जो हमेशा ट्रैफिक में घूमते हैं। चलिए अब हम दे देंगे हाई पासिंग और अब बस, अब देखना कुछ नहीं है वैसे, हम स्पीड ज्यादा नहीं रखेंगे, यहाँ पे लिमिट है 40 का, तो हम 80 तक जाएंगे, इसके डबल, इसके ज्यादा नहीं जाएंगे। और आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा तो अर्ली मॉर्निंग भी मैं आया था यहीं पे घूमने, तो आजकल इस रोड से जो मेरा रिश्ता है वो बहुत अच्छा हो गया है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आने जाने लगा रह रहा है। अच्छा ही है यार, क्योंकि ना देखो बात वो नहीं है, बात ये कि रोड जो रहता है खाली रहता है, यहाँ पे बाइक खींचने का मौका मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे इस रोड पे अभी थोड़ा बहुत मैंने व्लॉगिंग करा, फिर जैसे अपना कैमरा बंद होगा ना, ये देख लीजिए भी कोई घाट है, नाम नहीं पता है, PNCH, आगे से घूमना है, तो इस रोड पे मैं जब भी आता हूँ अपना थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करके और मस्त बाइक भगाता हूँ जितना कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, फिर मैं सेटिस्फाई होने के बाद फिर से कैमरा ऑन कर लेता हूँ। क्योंकि देखो कुछ भी हूँ तो एक राइडर ही हूँ, और एक राइडर की फीलिंग एक राइडर समझ सकता है कि भाई उसे कितना मन करता है अपनी बाइक भगाने का, और जब आप स्पेशली पटना में रह रहे हो सिटी में तो आपको वो मौका नहीं मिल पाता है, तो अगर आपको मौका चाहिए तो यहाँ आना पड़ेगा और कैमरा से और पुलिस से बच के, क्योंकि कैमरा भी है और पुलिस वाले वो गन लेके भी खड़े रहते हैं, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ सेफ है, बहुत रिस्की है, और यहाँ पे सब लोग बाइक या कार बहुत ही स्पीड में चलते हैं, बहुत गंदा चलाते हैं, तो ये मत सोच के आना कि तुम जो आ रहे हो तुम ही एकदम बुरा चलाने वाले हो, बाकी लोग हैं तो उससे भी सेफ रहे, तो बस अब बढ़ा जाए यार। देख लो भाई साहब, ट्रैफिक आपका मरीन ड्राइव पे भी पीछा नहीं छोड़ने वाली है, तो वो ये ख्याल मन से निकाल ले कि ये पूरा खाली मिलेगा। वो मैं सुबह सुबह आया था ना, तो एकदम रोड खाली नहीं, तो कहीं ना कोई आदमी तो खैर दिखना ही पॉसिबल नहीं है सुबह 1:30 बजे, ठंडी में कौन आएगा यार, और गाड़ी भी नहीं दिख रहा था, पुलिस वाले इक्का दुक्का दिख रहे थे, और बगल में ये एक और घाट, उसका भी नाम मुझे नहीं पता है, एक NIT पता है, एक और उस दिन घाट का जो हमने वीडियो बनाया था ऊपर से वो पता है, और यहाँ पे लाइट्स बिल्कुल नहीं है, जो फूल लाइट होती है वो खराब है, बट कोई बात नहीं। और जो मेरे राइट हैंड साइड में गंगा जी का जो व्यू है ना, वो तो लाइट नहीं है कि आप लोगों को उतना दिखे या कैमरा मेरा कवर करे, बट बहुत ही प्यारा आ रहा है, और इतना ठंडा है ना यहाँ पे, बहुत ठंडा है साउथ, यहीं से जिसको PMCH जाना है वो नीचे उतर के जा सकता है, बड़ा ही एक्सेसिबल रोड है ये, बहुत अच्छा है, और जिसको आगे दीघा जाना है, LCT जहाँ भी जाना है वो कंटिन्यू कर सकता है। ये बात मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि जो लोग भी, क्योंकि क्या होता है ना कि हमेशा हर वीडियो में कहीं ना कहीं नए लोग भी आते हैं देखते हैं इस वीडियो को, तो उन्हें भी ये चीज़ें पता होना चाहिए, ये नहीं कि मैं एक वीडियो में बता दिए तो मेरा काम खत्म, अगली वीडियोज में मैं नहीं बताऊंगा, मेरा ऐसा थिंकिंग है।
जो चीज मैं एक वीडियो में बताऊँ अगर वो चीज सेम रिपीट करनी पड़ रही है वैसा सिचुएशन आ रहा है तो उसको कर दो बस करते हैं और क्या। लो जी तो यहाँ से स्टार्ट होता है अपना मरीन ड्राइव का फेज 1 2 का ये खत्म। गांधी मैदान यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से नीचे उतर के आप जाओगे तो 1 किलोमीटर और दीघा यहाँ से 8 किलोमीटर है, स्ट्रेट जाना है। तो जिनको भी काम है गांधी मैदान वो यहाँ से लेफ्ट ले और जाए और अपना काम जो है वो निपटे, फिर आके इसको चढ़े आगे जाए अंदर, क्या मेरे को अंदर जाए इट्स वेरी इंप्रेसिव। पहले से तो बहुत ठीक हो गया यार, लेकिन फिर भी देखो ट्रैफिक में, मार्केट में ट्रैफिक का सिस्टम है, आप कंकड़बाग ये सब, वो भी इसलिए है कि मैं हमेशा जो कह रहा हूँ बनाने से कोई फायदा नहीं है, बहुत फायदा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये ट्रैफिक है, एक बार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ये ट्रैफिक खत्म। आप जैसे ब्रिज से उतर रहे हो स्टेशन वाले, कंकड़बाग आ रहे हो, फिर राजेंद्र नगर आ रहे हो, तो वहां पर सिर्फ इसीलिए ट्रैफिक है कि वो मेट्रो का कुछ काम चल रहा है, वो हो गया तो बस बात तो है। बस बे मतलब ट्रिप नहीं कह रहा हूँ, बस बे ब्रेकडाउन जो ले हो, लेन होता है वो ये है। तो थोड़ा सा वाइजर ओपन करो यार, बहुत अंधेरा लगा है मुझे। हाँ हम जाके लगा कि भाई कुछ लाइट में हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे पे है, बस एक बार आप लोग देखो सामने व्यू चेक करो यार, लगेगा कि यमुना एक्सप्रेस वे पे है। तो यमुना एक्सप्रेस वे ब्रेकर नहीं है यार, यहाँ ब्रेकर है भैया, सोहे वाली 25 है वो अलग हल्के है। अब सेम एलसीटी जिनको जाना है यहाँ से घूम सकते हैं लेफ्ट, एलसीटी जाए अपना फेंटा रोड या स्टेशन दीघा वाला, जो जाना है यहाँ से जाए और आगे दीघा से 8 किलोमीटर, और ये वही स्पॉट है जहाँ पे हमने इंस्टा पे अपना स्टोरी लगाया था, ना शौक ना मजबूरी हेलमेट पहनना है जरूरी, यहाँ कुछ मेला लगा हुआ है लेफ्ट साइड पर, एलसीटी से आप लोग नीचे आते हैं छोटा सा एक मेला है, और उधर हवन पुल वो समझ के उसी का मेला लगा, यज्ञ हो रहा है। ये स्पीड चेक करो आप लोग, केसी पे मैं क्रूज कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से, ट्रैफिक अभी नहीं मिला है, और जैसे हम दीघा पहुंचेंगे मेन जो सर्कल है वहां पे जाते जाते ट्रैफिक एकदम डेफिनेटली मिलेगा, और अभी टाइम ठीक ठाक है, पता नहीं क्या है मेरे को नहीं दिख पा रहा है, तो गाड़ी में भी नहीं दे रहा है, तो पब्लिक है बट उतना नहीं है, यूजुअली जितना रहती है लेकिन फिर भी पब्लिक है। तो ठंडी में बहुत कम ही लोग प्रेफर करते हैं आना, मतलब चीज जो चाहिए वो यहीं आके मिलेगा यहीं पे, समझ रहे हो ना आप लोग, इफ यू वांट पीस देन कम हियर, मतलब कम हियर मतलब मेरे पास नहीं, आप यहाँ मरीन ड्राइव आ सकते हो, बैठ सकते हो ना, शांति दे के दिल को, जब तक सुकून नहीं मिले रहो, कोई पैसे नहीं लगने यहाँ रहने के, और अब जिसको एम्स जाना है वो सीधे जाए, के कुर्जी वुर्जी जो भी जाना है, अपन लोगों को तो अटल पथ पकड़ना है, तो हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट और ये सर्कल, और पहले के हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, कंपेयर करें पहले से तो एकदम ही नहीं है। एंड नाउ फ्रॉम मरीन ड्राइव टू अटल पथ, जाने में कितना दिक्कत हुआ था ना, टाइम भी बहुत लगा ट्रैफिक भी, बट आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, यही बात है भाई साहब। और यार मैं तो भूल गया, अगर मैं उधर से घूम जाता तो मेरे को फिर आर ब्लॉक जाना पड़ेगा, आर ब्लॉक एक काम है वो आज के आज निपटाना एकदम जरूरी है। साफ टर्न, और यहाँ पे बुलेट को लीन करने में बहुत मजा आता है,
बहुत मजा आता है लीन करने में। मुझे मैंने लोग क्यों इतना टेंस होते हैं, लेकिन मुझे मजा आता। तो आप लोग, मैं शिवपुरी आ गया था डायरेक्ट, मरीन ड्राइव से उतरा कहाँ और रखे हो नाम? शिवपुरी में आ गया। मैं रूम पे नहीं गया, वो इसलिए नाम चले सिकावड़ी, कि नाम मैंने, चले ठीक है जाएगा। सुन लिया हूँ, मैंने यहाँ से संदीप को रिसीव किया है और हम जाएंगे फिर से आर ब्लॉक। ये बेचारा वहीं से आ रहा है, लेकिन फिर मैं इसे वहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि आर ब्लॉक में बीजेपी ऑफिस के सामने अपने को काम है। कल भी मैं गया था, बट वो काम कल हो नहीं पाया, कल उन्होंने मना कर दिया कि आज तो रात हो गया है, कल आइए। आज मैं ऑन टाइम हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं और वहां से लेते हैं अपने कपड़े को। ये देख लीजिए, अपना शिवपुरी मार्केट छोड़ के मैं जा रहा हूँ, रूम छोड़ के, वो कपड़े लेने के लिए, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत दिन से छोड़ा हुआ है। राइड ही राइड है आज, बहुत लंबा होने वाला ये वीडियो, और ये वीडियो में मैं कोई कट वट नहीं लगाऊंगा, जितना लंबा होगा जैसा होगा ये वही वैसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि कुछ कुछ वीडियो लंबी भी होनी चाहिए, है ना। निकलते हैं, विकास भवन मेरे राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में हड़ताली नीचे, क्या व्यू आ रहा है आप लोग देख लीजिए। तो ओवरऑल मैं आज अगर बात करूं, ओवरऑल अगर आज बात करी जाए, तो मैंने पूरे पटना का राउंड लगा दिया ऐसे गोल गोल, चिड़ियाघर से लेकर वो शिवपुरी से लेकर निकला आपको ऐसे ऐसे, राजेंद्र नगर कंकड़बाग होते हुए सीधा गाय घाट, पटना सिटी, सिटी से फिर गाय घाट वैसे मरीन ड्राइव होते होते फिर आप लोग को सिटी में लाया, और फिर भी मेन सिटी में जा रहा हूँ। ओपन और ये देखिए कितना नीचे से प्लेन जा रहा है। तो आज का जो इवनिंग राइड रहा ना, बहुत अच्छा और बहुत लंबा रहा, क्योंकि मैंने पूरे पटना का जो है चक्कर आज एक ही राइड में लगा दिया है, और पूरे वीडियो में ये रहेगा। तो जिन जिन लोगों को बहुत अच्छा लगता है पटना घूमना अंदर से भी बाहर से भी, तो फुल डिटेल जो है इस वीडियो में मिल जाएगी आप लोगों को, एकदम पूरा वीडियो में बने रहें और देखें एकदम अंदर अंदर सामने बाहर बाहर क्या सिस्टम है। तो बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। हमें जाना है आर ब्लॉक, तो हम यहाँ से सीधा नहीं जाएंगे, हम यहाँ से घूम जाएंगे। चलो तो दिस इज माई टैलेंट, टैलेंट पे विश्वास है, लेकिन हर टैलेंट उधर चल जाने। चल यहाँ से जाएंगे रॉन्ग, देख स्कूटी वाला आके हमें चूम ना ले। तो मजा आ गया भाई साहब, गाड़ी बहुत हीट होगी, इसका इंजन और एग्जॉस्ट बहुत हीट होगा, मत टच होना। चल आ जा ना, टाइम लगेगा, आ जा। तो यहीं से कपड़ा लेना है हमें, कल हम बोल के गए थे यहाँ पे, कपड़ा लिए, 1 साल हो गया है। कितना दिन से कह रहे थे मैं नहीं ले जा रहा था। तो यहाँ से कपड़ा लेना हो गया, मामी जी का मैंने ले लिया, वो भी पता है इतना सिंसियर हूँ मैं कि एग्जैक्ट 1 साल बाद आके ले रहा हूँ। 1 साल में अभी 2 ही महीने बाकी हैं, दिसंबर है, फेब्रुवरी में दिया था मैं 15 फेब्रुवरी को। तो मामी जी भी ये ब्लॉग देखेंगी तो गुस्सा होंगी और खुश भी होंगी। गुस्सा इसलिए होंगी कि 1 साल बाद ले रहा हूँ, और खुश इसलिए होंगी कि फाइनली मैंने ले लिया और टाइम नहीं लगाया। दो बार से मैं आ रहा हूँ, रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मछली का स्मेल आ रहा है, मछली का स्मेल आ रहा है, खाना कोई बनाओ वो तो खाना है। थोड़ा कल बनाया जाएगा। हाँ कल बनाया जाएगा। मैं पटना जो घूमा हूँ ना आज, समझ रहे हो संदीप, हाँ इधर से निकला हूँ शिवपुरी से, तो पूरा हाँ शिवपुरी कंकड़बाग, इधर से राजेंद्र नगर होते हुए गाय घाट से पटना सिटी, सिटी से फिर वो मरीन ड्राइव घूमते अटल पथ, फिर यहाँ आया शिवपुरी तुम्हारे पास, फिर यहाँ से हम लोग ये आर ब्लॉक आए। धूल से पूरा बॉडी भर गया है मेरा, अब जाके मस्त नहाने पे ही सारा धूल खत्म होगा, और ये बस वाला एक अलग धूल उड़ा रहा है। लड़की देखने के चक्कर में संदीप चालान कटवाने रेडी है, मतलब लड़की को दिखाने के चक्कर में, कि नहीं आई लव BSNL, देख आई लव BSNL। लीजिए ऊपर लिखा हुआ है आई लव BSNL, वो ऑफिस है। फिर से अटल पथ पे, मतलब भाई साहब आज एकदम गोची हो गया। आज इस ब्लॉग में बहुत मजा आया मुझे तो पर्सनली, क्योंकि मैंने हर कंडीशन में राइड करी है, खाली रोड में, ट्रैफिक में,
आप लोगों को कैसा लगा कमेंट डाउन करें। ठीक है, और आप लोग और क्या देखना चाहते हो जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता हूँ? हाँ हाँ सुन लिया हूँ। और आप लोग क्या देखना चाहते हो जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता हूँ आप लोग के लिए? जो भी लोग जैसे जॉब में है या कॉलेज में, जिनको टाइम नहीं मिल पाता है घूमने का, या उनको नॉलेज चाहिए थोड़ी बहुत उस जगह की, तो आपका भाई बैठा है, बस एक कमेंट डाल दो और पूरी कोशिश रहेगी कि उस चीज़ को जल्दी से कवर किया जाए। तो बस अब इस वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबड़ाएंगे क्योंकि आज के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन चुकी है और ये आधे घंटे की वीडियो निकालने में अपना पूरा 5 घंटा गया है। तो बस वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर डालें और आपसे जितना हो सकता है शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिल सकता है, आपके एक लाइक कमेंट से और एक सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप हेल्प करें। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।